हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज जो है मैं बहुत टाइम के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर ब्लॉग कर रहा हूँ। थोड़ा इशू चल रहा था जिस कारण मैं ब्लॉग नहीं कर पा रहा था। तो आज जो है मैं आपको एक नई जगह लेके जा रहा हूँ, आप ऐसे ही हमारे साथ बनिए और मैं आपको एक बार लोकेशन चेकआउट कराता हूँ, तो आप बताइए कैसी लगेगी आपको। तो देखिए गाइस, लोकेशन चेक करिए और देख सकते हैं आप कितना सही व्यू दिख रहा है यहाँ से। ये जो है इस पहाड़ के पीछे एक विलेज है, वहाँ हम जाएंगे अभी और मैं आपको बताऊंगा उस पहाड़ के पीछे कौन सा विलेज है। और लगभग हमें जो है यहाँ से 10 किलोमीटर का रास्ता रह चुका है, फिर हम जो है उस विलेज में पहुंच जाएंगे। तो गाइस, हम जो है अपनी बाइक लेके आए हुए हैं। आज मैंने पहले भी ये जगह दिखाई है आपको, तब हम गाड़ी लेके आए थे, पर बाइक पे मज़ा ही कुछ और है यार। तो बाइक देखिए यार कैसी लग रही है आपको, मैंने थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन कराई हुई है इसकी, देख सकते हैं आप भी ये सजेशन ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है इसको देख के मॉडिफिकेशन को। बाकी अभी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पे जाके। आज जो है हम वहाँ से आपको टाइम लैप्स भी दिखाएंगे नीचे का, हमारे हिमाचल ड्रीमर भाई। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? और सर कैसे हैं? अच्छे हैं। आज हम जा रहे हैं, अभी हम रिवील नहीं करेंगे कहाँ जा रहे हैं। हाँ, बताएंगे नहीं कहाँ जा रहे हैं, बस उधर पहुँच के फिर बताते हैं आपको। खाने पीने का सामान ले लिया है यार, ये हमारा खाने का सामान। A few moments later. तो गाइस, बहुत जल्दी जो है हम उस विलेज में पहुंचने वाले हैं। जो है 5 से 6 किलोमीटर रह गया है, शायद कम भी होगा। अभी जो है टाइम हो रहा है 4 बज गए हैं दोपहर के, और हमारा जो एकदम से सडनली प्लान बना कि उस तरफ चलते हैं, क्योंकि आज मौसम जो है बहुत अच्छा हो रखा है। देखिए, तो एक बार आप लोकेशन चेकआउट करिए यार, ये हिडन प्लेस है। अभी तक जो है इसकी वीडियो शायद हिमाचल ड्रीमर के चैनल पे आई होगी और इससे पहले मैंने आज तक नहीं देखी। और भाई जो है पूरा आनंद ले रहा है लोकेशन का, बताइए कैसा लग रहा है? एकदम मज़े में हूँ। आप ये व्यू देख सकते हो आप एक बार, ऊपर से तो और ज़्यादा अच्छा आएगा। सही है यार, ये लोकेशन बहुत प्यारी है यार। चलते हैं ऊपर और फिर देखते हैं आगे कैसा मौसम है, क्योंकि इस पहाड़ी से दूसरी वाली साइड को वेदर चेंज हो जाता है, तब करके हम जो है आप दिखाते हैं आपको कैसा मौसम है। तो चलते हैं गाइस। गाइज, आप देख सकते हैं अभी जो हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां से दूसरी साइड जो है विलेज शुरू होता है, और इस विलेज का नाम है बटवाड़ा विलेज। तो अभी जो है मैं आपको कुछ बताता हूं, देख सकते हैं आप कितनी हवा चली है और मौसम, और मेरा भाई जो है कांप गया है सारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं हमारे। तो अगर कोई भी यहाँ पर आ रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, तो वो अगर मौसम थोड़ा ख़राब होगा तो स्वेटर वगैरह लेके आए, क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ पे। तो यार सच में रोंगटे खड़े हो रहे हैं हमारे, पर मज़ा भी बहुत आ रहा है यार, क्योंकि इतनी नीचे बहुत गर्मी है अभी, तो हम इस गर्म मौसम से ठंडे मौसम में आए, बहुत मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है? तो चलते हैं गाइस। और अभी जो है हमने खाना भी नहीं खाया है कुछ सुबह से, तो खाते हैं कुछ फिर उसके बाद आपको बताते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है मज़े ले रहे हैं, देखिए फोटोग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट इतना सही है। तो चलते हैं गाइस और आपको जो है दिखाते हैं। अभी जो है हम इस साइड से निकल के, जो मैंने आपको बताया था विलेज आता है बटवाड़ा विलेज, उस साइड पहुँच गए हैं। देख सकते हैं यार बहुत सही नज़ारा है इस साइड, और वेदर भी बहुत ठंडा है आजकल, देखिए
गर्मी हो रखी है नीचे हमारी साइड, तो यहाँ पे बहुत ठंड है और हवा भी चली हुई है बहुत ज़्यादा। कि यार देखिए ये फॉग कितनी तेज चली हुई है, देखो अभी थोड़ी देर के बाद देखना यहाँ पे कुछ अलग ही मौसम हो जाएगा। सारे बादल ऐसा लगता है नीचे आए हुए हैं पहाड़ पे, तो देख सकते हैं ये ताता पानी से रिवर आती है। इस रिवर का नाम सतलुज है। और उस साइड देखिए यार धूप लगी हुई है और इस साइड हमारी इधर। और देखो भाई जो है बाइक के नज़ारे ले रहा है आज पूरे, इसके तो मजे आए हैं देख सकते हैं। तो गाइस अभी जो है हम खाना खा लेते हैं यार, फिर आपको आगे दिखाते हैं लोकेशन। तो सबसे पहले जो है हम ऐसी जगह चूज़ करते हैं जहाँ पे बैठ के मज़ा आए। खाने का मज़ा भी तभी है जब अच्छी जगह मिलती है बैठने के लिए। तो चलते हैं, और क्या बोलते हैं किस साइड जाना है? मेरा मन उस साइड पे बैठने, क्योंकि वहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो वो तो है, पर चढ़ने के लिए रास्ता कहाँ से होगा? चलो आप बाइक मोड़ो भाई, फिर देखते हैं आगे। वैसे यार इस साइड भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इधर घर ही बहुत है। देखिए ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यार। बाकी यहाँ पे जो है रोड, ये अभी अभी निकला है, लगभग 2-3 साल हुए हैं। और इससे पहले जो है यहाँ पे पैदल आते थे इस जगह पे, तो बहुत दिक्कत होती थी लोगों को, लेकिन अब सही हो गया है जैसे रोड निकल गया है। बाकी यार हिडन प्लेस है सच में। गाइस अभी जो है हमारे लवली भाई ने लोकेशन ढूंढ ली है, तो आप जो है देख सकते हैं गाइस लोकेशन यहाँ से, ये देखिए। और इस साइड भी देखिए यार, ये वेदर बिल्कुल अलग है और ये वेदर बिल्कुल अलग है, दोनों का अपना अपना टेस्ट है यार सच में। 2000 years later. तो गाइज अभी जो है हम खाना खा के फ्री हो गए हैं, और यहाँ पे जो है हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो गई है गाइज। ये जो जगह है गाइज, ये देखिए ये पहाड़ ऊपर वाले, इसको बोलते हैं गहरू पीक। तो यहाँ पे जो है जब सर्दियाँ शुरू होती है बर्फ पड़ती है, और बहुत मज़ा आता है जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी गाइज। तो एक ब्लॉग आपको यहाँ का भी दिखाएंगे हम ज़रूर। देखो यार भगवान जो भी करता है ना ठीक ही करता है हमेशा। अभी देखो बारिश आने वाली थी और हमने सोचा कि यार थोड़ी देर रुक लेते हैं यहाँ पे, तो हम रुके और देखो बारिश भी चली गई, ऊपर से ऐसा फॉगी फॉगी हो गया सारा वेदर, पीछे से फॉग आ रही है क्योंकि वहाँ का वेदर अलग है। मे बी वहाँ पे कुछ अलग ही हो गया होगा मौसम, मेरे को ऐसा लगता है। तो क्यों ना हम वहाँ पे जाके एक बार देख ही लेते हैं गाइस। तो अभी जो है हम दोबारा यहाँ पे पहुँच गए हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं कर रहा था वापस जाने का। अब देखो अभी हम वापस जा रहे थे और देखो कैसा मौसम हो गया है, और ऐसी धुंध में यार क्या नज़ारे हैं सच में। तो देख सकते हैं भाई पूरे नज़ारे ले रहा है आज। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस। तो आपको कैसी लगी ये जगह ये बता दीजिए। मुझे तो एक नंबर लगे, अल्टीमेट लगे, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑडियंस देख रही है यहाँ पे एक बार ज़रूर आए। सही बात है यार, आना तो बनता है यार, क्योंकि देखो पहाड़ों के नीचे देखो फॉग है, ऐसा नज़ारा वो भी बहुत नज़दीक से देखना, किस्मत वालों को मिलता है यार सच में। तो अभी वीडियो करते हैं एंड, और इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।